हेलो दोस्तों, आज हम फिर से द फॉल में पूरे दिन की दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आई होप आपको ये एनिमे अच्छी लगी होगी। तो आइए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमें व्हील को काफी घायल दिखाया जाता है और उसके साथ हमें गस्ट मैरी और ब्लड को भी दिखाया जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें व्हील और गस्ट को दिखाया जाता है। गस्ट व्हील को बता रहा होता है कि गोट की लड़ाई के बारे में। व्हील पूछता है कि टेम्पल में जितने भी ये सभी गोट की हैं। गस्ट जवाब देता है कि ह्यूमन के लिए तो हाँ। व्हील पूछता है कि गस्ट इसका मतलब क्या है। जवाब देता है कि पुरानी कहानी के हिसाब से लाइटिंग गॉड और उसके बड़े भाई वॉर गॉड के बीच में लड़ाई हो जाती है। पहले वॉर गॉड के पास एक मौका था, पर वोल्टर के पास उसकी वाइफ अर्थ मदर का प्रोडक्शन था, जिसकी मदद से वोल्टर ने वॉर गॉड को हरा दिया और उसे अर्थ पर भेज दिया, जिसका बदला लेने के लिए वॉर गॉड गस्ट विल से इस कहानी का मतलब पूछता है। विल बोलता है कि पहले रूल करने के लिए लड़ाई का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा हानि होने पर इसी लड़ाई को बंद कर दिया जाता है और यही हानि लड़ाई का कारण बन जाता है। विल गस्ट को कहता है कि तुम काफी तेज हो, इसी वजह से वोल्टर को अच्छा गोट और वॉर गोट को बुरा गोट माना जाता है, पर ये उनके द्वारा किए हुए काम पर ही निर्भर करता है। सीन चेंज हो जाता है और हमें विल को टेम्पल पर दिखाया जाता है जो पेयर कर रहा होता है। वहाँ मैरी आती है और विल को अपना पेयर बंद करने को कहती है और कहती है कि तुम्हारा 5 दिन का मौन व्रत खत्म हो गया है। और मैरी विल का हाल पूछती है और विल हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और विल कहता है कि आज मैं 13 साल का हो जाऊंगा और मैं मैरी की वजह से अच्छी तरह से पेयर भी कर पाता हूँ और अब मेरे घाव भी काफी ठीक हो चले हैं, जिसे ठीक होने पूरे 5 साल लग गए थे। हमें अगला दिन दिखाया जाता है जिसमें गस्ट की परीक्षा और भी कठिन होती जा रही होती है, पर लेकिन हमारा हीरो किसी न किसी तरह उसे मैनेज कर लेता है। पर गस्ट की परीक्षा दिन पर दिन और भी मुश्किल होती जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्लड उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया जाता है। ब्लड विल को एक कमजोर डीमन से लड़ने को देता है, जिसे विल बड़े आसानी से हरा देता है। और ब्लड कहता है कि तुम्हारा पहला किल ठीक ही था, लेकिन विल कहता है कि मैं तो काफी तेज था। ब्लड कहता है कि अच्छा कि तुम्हारा ट्रेनिंग को थोड़ा और हार्ड किया जाए। ब्लड विल को एक खाली खंडर पर ले जाता है, जहां में विल और ब्लड को एक अंडरग्राउंड लेज पे दिखाया जाता है। ब्लड कहता है कि पहले ही जगह पर इंसान रिहा करते थे, पर लेकिन अब यहाँ चारों तरफ डीमन ही रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कभी लेके आना नहीं चाहता था। ब्लड विल से पूछता है कि क्या तुम अपना हथियार लेके आए हो ना। विल कहता है हाँ। ब्लड विल को कहता है कि अब तुम्हें इस अंडरग्राउंड से खुद ही बाहर आना होगा। और ब्लड वहाँ से गायब हो जाता है और विल अपने जादू से वहाँ चारों तरफ रोशनी करता है और आगे बढ़ता है। हमें वहाँ 2 डीमन दिखाए जाते हैं जिन्हें विल बड़े आसानी से हरा देता है। विल सोच रहा होता है कि लगता है ब्लड मेरी क्षमता दिखाना चाहता है। वहाँ विल डर भी रहा होता है। विल हिम्मत बढ़ाता हुआ जोर से बोलता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। विल को वहाँ किसी का होने का एहसास होता है और वहाँ उसका एक डीमन दिखाया जाता है। और विल सोच रहा होता है कि वह डीमन तो काफी ताकतवर होते हैं। अभी विल हिम्मत जुड़ाता हुआ उस डीमन पर हमला तो कर देता है, जिससे उसका हथियार भी टूट जाता है, पर साथ ही साथ वो डीमन भी मारा जाता है और विल उस डीमन का हथियार भी उठा लेता है। विल सोच रहा होता है कि जब ये जगह तबाह होगी तभी ब्लड मैरी और गस्ट अनडेड बने होंगे। और सोच रहा होता है कि मेरे असली पेरेंट्स कौन है, तब पीछे से गस्ट को दिखाया जाता है। गस्ट से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें ब्लड ने भेजा है। अभी गस्ट एक मैजिक यूज करता है, एक गोलम आ जाता है और विल पर हमला करना शुरू कर देता है और विल उस गोलम से बचता हुआ उसे मार देता है। पर गस्ट विल पर लगातार मैजिक यूज कर रहा होता है और विल कह रहा होता है कि गस्ट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और विल सोच रहा होता है कि गस्ट ने पहले अटैक किया कि मैं उसे मारूंगा तो ये कोई गलत नहीं होगा। विल गस्ट के पास तेजी से जाता हुआ गस्ट के पास एकदम से रुक जाता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, और आप मेरे एक टीचर हैं इसलिए मैं आपको नहीं मार सकता, और आप चाहे तो मुझे आसानी से मार सकते हो, तो आप मुझे मार दो। गस्ट बोलता है कि मुझे माफ कर दो। गस्ट बोलता है कि लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफी हार्ड हो गई है और तुमने तो एक हाई रैंक का डीमन भी मार दिया है और उसका स्पेयर भी पा लिया है। यह देखिए तो ब्लड काफी खुश हो जाएगा। विल सोचता है कि गस्ट इसे ट्रेनिंग का नाम देते हुए अपने आप को बचा रहे हैं। गस्ट विल को घर जाने को कहते हैं। गस्ट विल को दुखी ना होने को कहते हैं और घर चलने को कहते हैं। मैरी और ब्लड स्पेयर को देखकर खुश हो रहे होते हैं और विल सोच रहा होता है कि गस्ट ने अभी भी हमारे बीच की लड़ाई के बारे में नहीं बताया, तो ये बात मैं भी नहीं बताऊंगा। अगले सीन में विल को दिखाया जाता है जो स्पेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वह स्प्रे काफी चमक रहा होता है, जो उसमें लिखे हुए सबसे पता चल रहा होता है कि इस स्प्रे को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अब व्हील अंडरग्राउंड में जाना शुरू कर देता है और वहां जाकर बहुत सारे स्प्रे इकट्ठा करता है। शुरुआत में व्हील को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब व्हील को यह सब आसान लगने लगा था। हमें व्हील और गस्ट को दिखाया जाता है। गस्ट कहता है कि अब तुम काफी सीख चुके हो तो तुम्हें अब और कुछ सीखना होगा, तो तुम आज अंडरग्राउंड से सोने के सिक्के इकट्ठित करोगे। और विल सोने के सिक्के इकट्ठे करके गस्ट को दे देता है। विल कहता है कि ये जुआ है। गस्ट बोलता है कि इसे ऐसे नहीं,
तुम इसे हम जैसे के समझदार गेम बोल सकते हो। विविल कहता है कि मैं नई चीज सीखने के लिए काफी उत्तेजित था। विगट बोलता है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत हो और तुम इस गेम को अंडरस्टैंड में मत करो। विब्लर बोलता है कि विल क्या तुम डर रहे हो। विविल गुस्सा हो जाता और गेम खेलने को तैयार हो जाता। तीनों गेम खेल रहे होते मैरी आ जाती है और उन तीनों को बोलना शुरू कर देती है, तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। मैरी गुस्सा हो जाती है और तीनों को अपने घुटने के बल नीचे बैठने को कहती है और उन्हें बहुत सारे बातें सुनाने लग जाती है। वहीं विल सोच रहा होता है कि जुआ काफी बुरी चीज है। विल और गस्ट को एक रूम में दिखाया जाता है और गस्ट कहता है कि विचुअल का समय आ चुका है और आज से तुम 15 साल के हो जाओगे और मुझे लगता है कि ब्लड तुम्हें 1-on-1 फाइट करने के लिए बोलेगा। क्या विल तुम मेरे लिए ये फाइट हार जाओगे। तो विल पूछता है कि इसकी क्या वजह है। गस्ट इसको बताने के लिए मना कर देता है और विल कहता है कि तो ये मैं नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें ब्लड मैरी और विल को दिखाया जाता है। मैरी पूछती है कि आज विचुअल का समय आ चुका है तो तुमने क्या सोचा है कि तुम किसके गार्डनर बनना चाहोगे। तो विल मैरी से पूछता है कि तुम बताओ मैं किसको चुनूं। तो मैरी कहती है कि लोग वोल्टोज को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ब्लड फायर और वर्शिप रिज है और साथ साथ ही वो अपने गॉड के साथ जो वचन दिया था उसके बारे में बताते हैं। विल ऑथर के बारे में सोचता है और इसी के साथ हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।